हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा फतेहपुर से आप सबका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत किसी मीठे के साथ की जाती है। तो आइए मैं आज आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग 1 किलो गाजर लेंगे और उनको अच्छे से वॉश करके रख लेंगे। फिर हमें उनको पील करना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने आपको एक दिखा दिया है, मैंने पहले से ही गाजर पील करके रखी हुई है। अब मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूंगी। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसे आप। वैसे जनरली लोग गाजर का हलवा कद्दूकस करके बनाते हैं, पर मैं आज आपको नए तरीके से बता रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। स्टार्ट। अब फ्रेंड्स चलिए किचन में चलते हैं और गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस चूल्हा ऑन कर लिया है और उसके ऊपर कुकर रख दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम घी डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी है वो सूख जाए, फिर हम इसमें घी डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर घी रखती हूँ। जो भी दूध लेती हूँ, हमारे सामने भैंसे हैं तो प्योर दूध मिल जाता है, जिससे हम घी बना लेते हैं घर में ही। ये मेरा बिल्कुल 100% प्योर देसी घी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको डालूंगी इस कुकर के अंदर 2 चम्मच देसी घी। बस इतना इनफ है। अब इसको साइड में रख दूंगी। घी को पिघलने के लिए दूंगी। ये देखिए घी पिघलना स्टार्ट हो गया है। जब ये घी अच्छी तरीके से पिघल जाएगा, मैं इसके अंदर ये गाजर ऐड कर दूंगी भूनने के लिए। ये इसको भी कट कर दूंगी। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी सारी गाजर। ये पीस रह गया था, इसको भी मैं कट करके ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर कोड हो जाए और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद फिर इस पर हम कुकर को बंद कर देंगे और 1-2 विसिल लेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसको खोल कर कि क्या पोजीशन है। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक मैश करके दिखाती हूँ। देखिए पूरी तरीके से ये गल चुका है। अब इसको हम इस चम्मच की सहायता से मैश कर देंगे। इसको मैश करते हैं और इसमें डालेंगे हम दूध ऐड करेंगे। इसके बाद इसको चला देंगे। और अगर आपके पास घर पे रखी हुई मलाई हो जो दूध के ऊपर निकलती है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं देखती हूँ। तो मेरे फ्रिज में देखिए आप, ये भगोने में मेरे कैसी मलाई आ गई है। अब मैं इस मलाई को उतार लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी।
जब भी आप किसी प्योर चीज़ से कोई भी डिश बनाते हैं उसका टेस्ट इतना यम्मी बनता है कि क्या बताया जाए। मैं तो इसको कई बार बना चुकी हूँ बट आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। अब इसको हम इसी तरह चलाते जाएंगे और गैस को हम फुल कर देंगे और ये इसी पे खोलता जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए जब तक ये गलता फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप मैंने जो भी इसमें दूध डाला था वो सारा सूख चुका है और आप देखिए इसका कलर कैसा हो गया। और देखिए ये गाजर बिल्कुल अपने आप ही मैश हो चुकी है, केवल चलाते ही चलाते ये आपस में अपने आप ऐसे मैश हो चुकी है कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि हमने इतने बड़े बड़े पीसेज में इसको कट किया था। अब मैं इसको थोड़ा और सुखाऊंगी फिर आप सबको टेस्ट कराऊंगी। हाँ, और फ्रेंड्स एक बात तो मैंने बताया नहीं आपको, मैं बताना भूल गई थी, इसमें मैंने थोड़ी सी 4-5 इलायची को क्रश करके उसके बीज ऐड कर दिए हैं, जो छोटी वाली ग्रीन इलायची आती है उसी को। कुछ लोगों को उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, बट मेरे घर में सब लोग खाते हैं उसको, पसंद करते हैं, सो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चीनी ऐड कर देंगे मिठास के लिए, मेरे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं उस हिसाब से मैं डालती हूँ, पर जो लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें, मैं तो पसंद नहीं करती हूँ इतने मैं मिक्स कर लूँगी। अभी ये चीनी मैंने डाली है तो थोड़ा सा ये चीनी पानी छोड़ेगी, फिर उसको भी हमें सुखाना है। वो तो आप लोग जानते हैं किसी भी स्वादिष्ट चीज़ को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसको वक्त ज़रूर लगता है बट ये इतना टेस्टी बनता है कि इसको देख के बिना खाए कोई रह ही नहीं सकता। हाँ देखो फ्रेंड्स, लीजिए फाइनली अब ये गाजर का हलवा रेडी हो गया है और देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है और ये खाने में ही और टेस्ट में इतना ही यम्मी है। सो प्लीज़ लीजिए ये सब आप लोगों के लिए, ये प्लेट मैंने आपके लिए लगाई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। सो प्लीज़ फ्रेंड मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं आगे आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ दिखा सकूँ। धन्यवाद।